आनंद पार्ट फोर भाग चार। मंताणी का जो बेटा था पुन्न, शुरू शुरू में उससे जो उन्होंने धम्म का वचन धमकी कहानी सुनी, उसको एडॉप्ट किया, उसका पालन किया, उसका अभ्यास किया, उससे आनंद सोतापन हुए। मगर बुद्ध के अंतिम समय तक वो सोतापन ही रहे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने हजारों भिक्षुओं को पढ़ाया, हजारों गृहस्थों को पढ़ाया, और वो सारे लोग उनसे सोतापन भी हुए और अर्हत भी हो गए। यानी कि उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज भी प्राप्त कर ली, जबकि पढ़ाने वाला जो आनंद था वो सिर्फ सोतापन ही था। उसकी डिग्री पहली ही थी, बाकी जितने लोग थे वो सोतापन भी हुए, वो अर्हत भी हुए, वो सकदागामी भी हुए, तो वो सारी डिग्रियां लेके आगे बढ़ गए। ये कमाल इसलिए भी है कि आज के समय भी कोई बहुत लायक अगर टीचर होता है, पढ़ाने वाला होता है, तो वो पढ़ाने में इतना ज़्यादा मशगूल होता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि वो पढ़ाता रहता है और उसे ये ध्यान नहीं रहता है कि जो वो पढ़ा रहा है उसको जीवन में अभ्यास में अप्लाई भी करना है। भगवान बुद्ध ने कई बार कहा कि आनंद, खुद अगर मेहनत नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तो हाईएस्ट नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते, आप अर्हत नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, साल्वेशन नहीं हो सकता, दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। मगर आनंद सेवा में इतने ज़्यादा, जो मैनेजर का कार्य था, जो पूरे भिक्खु संघ को मैनेज करने का और लोगों से मिलने जुलने का, यानी कि जो पर्सनल रिलेशनशिप का पीआर का काम वो करते थे, जो पीए का काम करते थे, जो मैनेजर का काम करते थे, जो वो देखभाल का काम करते थे, जो इंतजाम करते थे, उसमें इतने ज़्यादा मशरूफ थे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इतने ज़्यादा घिरे हुए थे, इतने ज़्यादा बिजी थे, व्यस्त थे, कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें अभ्यास करके खुद भी मुक्त होना है। ऊपर से वो भगवान बुद्ध के भाई भी थे, तो ये रहता होगा कि हम तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मन में शायद हो भी सकता है। आनंद ने 25 साल तक लगातार बहुत बढ़िया पूरे धम्म को, संघ को और भगवान बुद्ध की जो सेवा की, जो उनको असिस्ट किया, जो मैनेज किया, जो वहाँ सारे लोगों को एक तरह से व्यवस्थित करके रखा, वो काबिले तारीफ और लाजवाब है। दुनिया के सभी जितने मैनेजमेंट स्कूल और कॉलेज हैं, उनको आनंद से सीखना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। सारी दुनिया के मैनेजमेंट के कॉलेज उनके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के आगे फेल हैं। ये उस समय की बात है जो आज से लगभग 26 साल पहले जो उन्होंने मैनेज किया। अपनी गाथा में, अपनी कथा में वो कहते हैं, पन्न वी सती वस्सानी का मतलब है, पन्न माने पांच और वी सती माने 20 और वस्सानी माने जो बारिश का सीजन होता है वो, यानी 25 बारिश सीजन तक, यानी 25 बरस तक, जब वर्षा बरसती है 25 बरस तक, 25 ईयर्स तक। भगवंतंग उपट्ठहिं, उपट्ठहिं का मतलब यहाँ उपस्थाक के काम करने से है, यानी कि सेवा की, उनका ध्यान रखा, उनका मैं पीए रहा, उनका वो मैनेजर रहा, उनका सहायक रहा, उनका अटेंडेंट रहा, उनका असिस्टेंट रहा, सारे काम मैंने किए, उनका पर्सनल रिलेशन ऑफिसर भी रहा, पीआर भी रहा, पीआरओ भी रहा। भगवंतंग, भगवंतंग माने भगवान को। यहाँ जो भगवान शब्द है वो भगवंतु से बनता है। भगवंतु का मतलब है भंग करने वाला, दुखों को भंग करने वाला। तो यहाँ भी ये शब्द आता है भगवंतु, यानी कि भंग करने वाला। तो भंग करने वाला कौन? बुद्ध। मैतेन कायकम्मेन, मैतेन कायकम्मेन, जब किसी शब्द के पीछे इन लग जाता है, इसका मतलब उसके द्वारा, उससे। क्या कहते हैं? मैतेन, यानी कि मैंने बड़े मित्र स्वभाव से, बड़ी मित्रता से, बड़े मैत्री के साथ में, बड़े प्यार के साथ में, फ्रेंडशिप के साथ में, कायकम्मेन। कायकम्मेन का मतलब है, काया माने शरीर और कम्मेन माने काम किया, यानी कि काया से कर्म किया, शरीर से उनकी सेवा की, उनको बिछौना बिछाना, उनका जो गंदगुटी है उसको साफ करना,
उनका खाना लाना, उनके बर्तन साफ करना, ये सारे काम मैंने काया कमीन से बड़े मित्र भाव से उनके किए। छाया ऐब, छाया ऐब की मतलब है कि जैसे, ऐब माने होता है जैसे, जैसे छाया यानी कि जैसे शेडो, जैसे हमारी छाया साथ रहती है। अनपायनी, अनपायनी का मतलब है अन अपायनी, अपायनी माने होता है बहुत ज़्यादा दुख, और अन लगा दें तो यानी कि वो सुख में बदल जाते हैं, यानी कि छाया जैसे सुख देती है कभी दुख नहीं देती है, ऐसे मैंने शरीर से और उनके वचन से, कर्म से और मित्रता के भाव से मैंने उनका काम किया है 25 साल तक। वो अगले सेंटेंस में, अगली जो गाथा है उसमें कहते हैं, पण वी सती वस्सानी भगवंतंग उपट्ठहिं मेतेन वची कम्मेन छाया एव अनपायनी। और तीसरी में कहते हैं, पण वी सती वस्सानी भगवंतंग उपट्ठहिं मैतेन मनोकम्मेन छाया एव अनपायनी। यानी अलग अलग सेंटेंस में तीन बात कहते हैं, एक में कहते हैं कि काया के द्वारा मैंने सेवा की, एक में कहते हैं वची कम्मेन यानी कि वाच के द्वारा यानी बोल बोल कर मैंने उनकी सेवा की, और तीसरे में कहते हैं मनोकम्मेन, मनोकम्मेन का मतलब है कि मैंने मन से उनकी सेवा, उनका काम, उनका किया। आनंद ने ये 25 साल तक लगातार मन से, वचन से, कर्म से भगवान बुद्ध का धम और संग और भिक्खु संग और सभी जो लोग थे उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, उनको अटेंड किया, उनका एक एक काम किया, और खुद वो सोतापन से आगे नहीं बढ़ पाए। होता है कई बार जो हमारे परिवार में जो आज के समय इत्थियाँ हैं यानी जो स्त्रियाँ हैं वो अपना खाना भी बच्चों को दे देती हैं अगर खाना कम पड़े, और सुबह से उठती हैं वो 4 बजे से लेके और रात को 10-11 बजे भी, और रात को कोई बच्चा अगर जग जाए तो अभी उठ जाती हैं, छोटा बच्चा होता है तो रात को सोती ही नहीं है, और वो अपने आप को उस परिवार के लिए इतना गला देती हैं, इतना ज़्यादा पूरे शरीर को ख़त्म कर देती हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनको कितनी बीमारियाँ लग गई, उनके शरीर में क्या क्या हो गया, वो जीवन में कुछ देख ही नहीं पाती, परिवार के चक्कर में कहीं आ नहीं पाती, जा नहीं पाती, उनको अपना टाइम नहीं होता खाने पीने का, देखभाल करने का, और वो कब छोटी बच्ची से और बूढ़ी हो जाती हैं इसका उन्हें आभास ही नहीं होता, और जब आंखें बंद होने होती हैं तो जैसी वो आती हैं राग मोह में, ऐसे ही राग मोह में बच्चों के, पति के, परिवार के राग मोह में लिप्त होकर चली जाती हैं। ये ऐसे ही जो आनंद हैं उन्होंने परिवार की सेवा बिल्कुल माता की तरह, संघ की सेवा माता की तरह, धम की सेवा माता की तरह की, सारा जीवन उसमें लगा दिया, और खुद वो अपने आप को मोक्ष और मोक्ष और लिबरेशन या साल्वेशन प्राप्त करने के बारे में समय ही नहीं रहा। वो भगवान बुद्ध के जाने के बाद में अर्हत हुए जब उन्होंने ध्यान तपस्या साधना की, और उनके जाने के 1-2 महीने बाद ही वो अर्हत हो गए थे। यहाँ एक जो सेंटेंस आता है, जो पद आता है, जो गाथा आती है, जो आयत आती है, स्टेंजा आता है, या जो छंद या दोहा या चौपाई या तिपाई जिसको भी आप कहना चाहें वो आता है, उसके अनुसार आनंद बताते हैं कि उन्होंने 84,000 जो पद हैं कुल मिला के उनका याद किया, उनको सीखा। जो हम बार बार कहते हैं कि 84,000 पद कैसे आते हैं, यहाँ जो थेर गाथा, आनंद की जो गाथा है उसमें जो पद संख्या 1027 है वो बताती है, वो कहते हैं कि मैंने 82,000 जो पद हैं वो भगवान बुद्ध से सीखे, और 2,000 पद मैंने भिक्कुओं से सीखे, 84,000 पद टोटल हैं जो मुझे धम्म की तरफ लेके जाते हैं। जो गाथा है यानी जो पद है, स्टेंजा है, जो आयत है वो इस प्रकार है, द्वासिति बुद्ध तो गणहीन। द्वासिति माने होता है 82, यानी 82 बुद्ध से ग्रहण किए, 2,000 भिक्कुते और 2,000 भिक्कुओं से ग्रहण किए, यानी 82,000 उन्होंने बुद्ध से ग्रहण किए और 2,000 भिक्कुओं से ग्रहण किए। सहस्रानी माने होता है 1,000 और सिति माने होता है 100। चतुराशीति सहस्रानी का मतलब है 84,000, यानी चतुराशीति सहस्रानी, ये मे धम्मा पवत्तिनो, ये मे माने जो मैंने, पवत्तानी धम्मा, धम्मा पवत्तानी का मतलब है जो ये धम्म मैंने हैं,
पवत तीनों का मतलब है कि मेरे को पूरी तरह से व्रत में लेके चलते हैं, यानी पूरी तरह से मुझे चालू रखते हैं, पूरी तरह से चलाते हैं। धम्मचक्र पवत्तन आपने सुना ही होगा, यानी कि धम्म के चक्का पवत्तन, उसको चलाना, उसको घुमाना। इस प्रकार जो आपने कथाओं में, कहानियों में बार बार सुना होगा कि भगवान बुद्ध के 84,000 आयत या पद या श्लोक या उनके छंद या तिपाई या चौपाई या दोहे या वर्सेज या स्टेंजा, जो भी आप कहें, ये लगभग 82,000 जो बुद्ध ने दिए, 45 साल के अंदर दिए हैं। 45 साल यानी 45 साल का अगर पूरा दिन को हम भाग देते हैं, 84,000 को 82,000 को भाग देते हैं, तो 82,000 को भाग देने में लगभग 5 पद या 5 आयत या 5 स्टेंजा या 5 तिपाई या चौपाई या छंद या श्लोक या आयत या वर्सेस जो भी हैं, 5 पर डे आते हैं। रोज के उन्होंने 5 कहे हैं, यानी भगवान बुद्ध के 5 उपदेश रोज होते थे 45 साल तक। इस प्रकार लगभग पूरे 45 साल में ये 82,000 बैठते हैं, और जो उनके अच्छे सावक थे, जो अच्छा पढ़ाते थे, उनके लगभग 2,000 हैं। इस प्रकार 84,000 का ये पूरा सुत्त पीठक है। 84,000 के सुत्त पीठक में एक ही बात मन को शुद्ध करने की और साफ करने की, कैसे करें, क्या करें, कितने इसके उपमाएं हैं, कितने एग्जाम्पल हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने जो भी ग्रस्त को या राजा को या किसी चोर को या किसी छात्र को या किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को, जो भी लोग मिले हैं, चाहे कोई डाकू अंगलीमान है, जो भी बात हुई है वहाँ पर, वो सारी की सारी उसमें दर्ज है। इस प्रकार ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध का साहित्य होता है, बुद्ध का लिटरेचर होता है, बुद्ध का पूरा ग्रंथ, जिसको कहते हैं गंठ। गंठ माने गांठ बांधना। ये पूरे उनकी एजुकेशन सिस्टम और पूरा जो उन्होंने पढ़ाया और पूरा जो उनका सिलेबस और जो कोर्स है, वो सारा का सारा 84,000 आयतों में या 84,000 श्लोकों में या 84,000 पदों में बन जाता है। और ये अधिकतर गीत के रूप में सुनाए जाते थे एक दूसरे को। गीत को पाली के अंदर गीतों या गीता या गीते या गीतंग कुछ भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो ये धम्म पद गीता में 423 हैं और बाकी अलग अलग बिखरे हुए हैं। आप सुत्त पीटक में और अभिधम्म पीटक में और विनय पीटक में सारे सूत्रों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि पाली के अंदर जो ये छंद हैं या आयत हैं या श्लोक हैं, उनको सुत्त बोला जाता है। इसलिए सुत्त पीटक यानी कि सुत्त की पेटी, जिसमें सारे सूत्र रखे हुए हैं, सुत्त पीटक बोला जाता है, या विनय पीटक जिसमें नियम है। विनय माने नियम होता है, नियम की पिटारी या पोटली या पीटक या पेटी इसको बोलते हैं। आप जरूर इसको देखिए, जरूर इसको समझिए। ये था आनंद भाग 4। धन्यवाद।